नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड पार्ट 10 करेंगे, जिसमें तीन ऑथर, एक एडिटर और सीरीज विद ऑथर और साथ में टू एडिटर के अलावा भी दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और शेयर करना नहीं भूलें। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे लाइब्रेरी साइंस के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर फेसबुक से आप जुड़ना चाहते हैं तो उस फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है। आपको कोई PDF वगैरह फाइल चाहिए या PDF बुक चाहिए, जैसे CC की या नोट्स चाहिए PDF में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हम मेरा नंबर भी ले सकते हैं और फेसबुक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये तीन लेखक की एंट्री है, जिसमें दो ग्रंथमाला भी दी हुई है। ग्रंथमाला के साथ कुछ संपादक भी दी हुई है। हमारे पास टाइटल है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, इसका सेकंड एडिशन है और इसके राइटर हैं विलियम सी ओडसन, डेविड एस माइलक्रेन और एलियस आर हेज। आपको तीन राइटर दिए हुए हैं ये, और उसके बाद में हमें एडिटर दिया हुआ है WE Antol और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ये पब्लिश हुई थी, और इसके पब्लिशर हुई थी न्यू दिल्ली से 1965 में। ये हमारे यहाँ पर कॉल नंबर दिया हुआ है और उसके आगे N65 है, ये बुक नंबर हमें दिया हुआ है। C1 है वो कॉल नंबर है, और उसके बाद में एक्सेस नंबर दिया हुआ है 9314 और आगे नोट दिया हुआ है प्योर साइंस सीरीज नंबर 6 एडिटेड बाय चार्लेज कार साइंस कंसेप्ट सीरीज नंबर 15 एडिटेशन बाय एवीएस एंजिल। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो एडिटर दिया हुआ है, एक एडिटर ऊपर भी दिया हुआ है, तीसरा एडिटर ये कंसेप्ट सीरीज नंबर 15 एडिटेशन बाय एवीएस एंजिल, ये एक ऊपर एडिटर दिया हुआ है चार्लेस कैर, और एक एडिटर ये एवीएस एंजिल दिया हुआ, और एक ऊपर दिया हुआ है WE Antol। नीचे दिया हुआ पार्ट 4 इज डिवोटेड टू ग्रेवेशन एंड एट्स, क्लास नंबर इज C18। मैं आपको बता दूं, हम कॉलन क्लासिफिकेशन का पार्ट 10 कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का ये फ़ायदा है, जब भी हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और उसके बाद में एक बेल दिखाई देगी जो घंटी बोलते हैं, उसको भी दबा देना, उससे आपको नोटिफिकेशन में सहायता मिलती है। तो अब हम इसकी मेन एंट्री बनाते हैं। मेन एंट्री कैसे बनती है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम मेन एंट्री के ये कार्ड होता है, बीच में एक होल होता है, और यहाँ पर सबसे पहले पहली लाइन में कॉल नंबर लिखता है, ये C1 कॉल नंबर लिखा, और उसके बाद में ये थर्ड लाइन में N65 लिखा, ये बुक नंबर होता है। मैंने आपको पहले एक वीडियो में इस फुल डिटेल से बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो मैं इसमें भी बता देता हूँ, ये पेंसिल से लिखा जाएगा जो भी हम कॉल नंबर लिखते हैं और बुक नंबर लिखते हैं, ठीक है। और ये हमें यहाँ पर ऑथर लिखना होता है, ऑथर तीन से ज़्यादा है तो एक ही ऑथर लिखना पड़ेगा, तीन ऑथर नहीं लिखने पड़ेंगे। तीन से ऑथर ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा ऑथर हैं तो आपको एक लिखना होगा, तीन ऑथर है तो हमने यहाँ पर एक ही ऑथर लिखा है। ऑथर कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वाले नेम को बाद में लिखते हैं और बाद वाले नेम को पहले लिखते हैं, यानी सर नेम को फोर नेम लिखते हैं, फोर नेम को सर नेम लिखते हैं। पहले हमारा नाम था विलियम सी, तो उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, और उसके बाद में ऑडिशन को बाहर लिखा, और एंड अदर्स लिख दिए, यानी तीन ऑथर के अलावा। और नीचे हमने यहाँ पर टाइटल लिखा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एडिशन 2 है, और इसका एडिटर कौन है, एडिटर जो ऊपर दिया है वो ही लिखना है, एडिटर बाय WE Antol, जो नोट के अंदर दिया है वो नहीं लिखना है हमें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एडिटर कौन सा लिखना है और टाइटल कौन सा लिखना है। टाइटल जो ऊपर फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स दिया है वो लिखना है, और नीचे ये एडिटर दिया हुआ ना एडिटेड बाय WE Antol, ये लिखना होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं अभी आपको और बता देता हूँ। ये हमें यहाँ पर सेकंड एडिशन लिखना है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो अब हम मेन एंट्री पे ही चलते हैं वापस। मेन एंट्री पे हमें एडिशन 2
एडिटेड बाय WE एंट्रोल लिखा, ये पूरा लिखना है फुल नेम और लास्ट में डॉट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में हमें प्योर साइंस सीरीज एडिटेड बाय चार्ली कैरिसिक जी, जो हमें नोट के अंदर दिया हुआ है दोनों एडिटर, वो हमें यहाँ पर लिखना है। और एडिशन कौन सा है वो भी लिखना है, एडिटर एडिशन सिक्स है तो एडिशन सिक्स लिखा, जो नोट के अंदर दिया हुआ एडिशन वो लिखना है यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एडिशन सिक्स कहाँ पर दिया हुआ है, नीचे देखिए प्योर साइंस सीरीज नंबर सिक्स एडिट बाय चार्लीज कैर दिया हुआ ना, ये लिखना हमें सीरीज नंबर सिक्स, दिख गया आपको। नीचे सीरीज नंबर 15 दिया हुआ है, ये हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है। इधर इंफॉर्मेशन यानी नोट के अंदर है, ये लिख दिया प्योर साइंस सीरीज कोमा एडी बाय चार्लीज कैर डॉट सिक्स कोमा, नीचे साइंस कंसेप्ट सीरीज एडिटेड बाय एवीएस एंजल 15 दिया हुआ, ये लिख देना। और नीचे एक्सेस नंबर दिया हुआ वो लिखना है। सीसी की एंट्री आसान होती है ACR 2 से, क्योंकि इसमें बहुत कम लिखना होता है। और उसके बाद में C1 की हमें चैन प्रोसीजर बनानी होती है, चैन प्रोसीजर यानी ये नंबर कैसे बना, ये हमें कोलन क्लासिफिकेशन की बुक से पता चलता है, ठीक है। C होता है फिजिक्स, ये साउथ लिंक के अंदर आता है। साउथ लिंक वो होता है जिसे यूजर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। 1 का ये नीचे एंट्री आ गई और C18 का ये ग्रेवेशन हो गया, ये साउथ लिंक है, तीनों साउथ लिंक है। और C1 फंडामेंटल होता है, ये देखिए C18 दिया हुआ ना, ये इसका है क्लास नंबर। आप ये सोच रहे हैं C18 क्यों लिखा, C18 हमने ऐसे लिखा क्योंकि C1 क्लास नंबर है और C18 भी क्लास नंबर है, नीचे नोट के अंदर हमें दिया हुआ है, इसलिए C18 लिखा हमने, ठीक है। अब हम ये सी फिजिक्स होता है, साउथ लिंक के अंदर होता है, इसको हम थर्ड नंबर देंगे। और C1 होता है फंडामेंटल, साउथ लिंक होता है, जो साउथ लिंक होता है उसको ही नंबर देंगे हम, ठीक है। साउथ लिंक इसको हम नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। जो अन साउथ लिंक होता है उसको नंबर नहीं देंगे। C18 होता है ग्रेवेशन, साउथ लिंक होता है इसको नंबर 1 देंगे हम। जो नंबर 1 लिखा है वो उसको उल्टी गिनती के अंदर हम लिख देंगे 1, 2, 3, ठीक है। जो 1 है वो 1 पे आ जाएगा, 2 वाला 2 पे आ जाएगा, 3 वाला 3 पे आ जाएगा, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ गिनती हम लिखते चलेंगे, यानी काउंट करते चलेंगे। ये C18 है ना, ये बाद में आएगा, ये C18 ग्रेवेशन साउथ लिंक करना, ये बाद में आएगा। बाद में क्यों आएगा, क्योंकि ये नीचे नोट के अंदर दिया हुआ है। और ये C1 है, ये कोलंबर है, तो C1 है ये फंडामेंटल कोमा 1 यानी फंडामेंटल कोमा फिजिक्स, और नंबर 2 पे फिजिक्स है, ये ऐसे आएगा। यहाँ से उल्टी गिनती हमें लिखनी है, ठीक है, यानी हमें उल्टी साइड चलना है। फंडामेंटल पहले आ गया, उसके बाद में कोमा और फिजिक्स आ गया, और उसके बाद में फिर नंबर 2 पे सीधा डायरेक्ट फिजिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फिजिक्स आ गया यहाँ पर नंबर 2 पे, ठीक है। उसके बाद में C18 बड़ा ग्रेवेशन है वो आ जाएगा, ग्रेवेशन डॉट फिजिक्स आएगा बाद में, ठीक है, क्योंकि ये नोट के अंदर दिया हुआ ना। और C1 है वो अलग है, और ये C18 है ये अलग है। अभी मैं आपको ट्रेसिंग बता देता हूँ कि इसकी ट्रेसिंग कैसे होगी। सबसे पहले मैं 1, 2, 3 जो हमने यहाँ पर लिखा था चैन प्रोसीजर के अंदर, वो हमें यहाँ पर सेम लिख देना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1, 2, 3 लिखा है ना, ये सेम वहाँ पर आ जाएगा। अब हम वापस ट्रेसिंग पर ही चलते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद में ऑथर की एंट्री आ जाएगी, और यानी 2 से ज़्यादा ऑथर है तो एक ऑथर आएगा, और उसका सरनेम फोरनेम लिखना है, और इसके बाद में एडिटर जो दिया हुआ है वो आ जाएगा ये, फिर उसके बाद में टाइटल आ जाएगा, और ये सीरीज के अंदर टाइटल है वो आ जाएगा, ठीक है। सीरीज के अंदर टाइटल दिया हुआ आ जाएगा, नीचे एडिशन यानी एडिटर दिया हुआ है जो टाइटल का, और ये नीचे एडिटर 2 आ जाएगा, जो एडिटर 2 दिया हुआ है सीरीज के अंदर वो आ जाएगी दोनों, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एडिटर ये कौन से और कहाँ से लिए हैं। ये देखिए ये एडिटर हमें
जी हाँ, उससे लिए प्योर साइंस सीरीज और साइंस कंसेप्ट सीरीज जो टाइटल लिया था वो यहाँ से लिया था, और ये एडिटर लिया था वो चार्लेज कैर, और ये एवियस एंजल यहाँ से लिया था। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप साथ साथ में नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये सरनेम को फोर नेम लिखा, फोर नेम को सरनेम लिख दिया। ठीक है, और ये हाफ पार्ट में आएगा जो अभी हम ट्रेसिंग बनाएंगे, और ये यहाँ पर होल होता है जो हमने यहाँ पर निशान लगाए हैं, और ये राइट साइड में लिखना होता है, लेफ्ट साइड में नहीं लिखना होता है, लेफ्ट साइड में सिर्फ कॉलम्बर वगैरह ही आएंगे। ठीक है, और अब हम इसकी नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट एंट्री यानी क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट बनाएंगे, जो मैंने फर्स्ट नंबर पर लिखा था ट्रेसिंग के चैन पोजीशन के अंदर, वो हमने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, पेंसिल से नहीं लिखना है, ये पेंसिल ही आएगा। ठीक है, ये कैपिटल के अंदर आएगा, फंडामेंटल कोमा फिजिक्स। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करना है, फोर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। ये इसको याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो आप इसको सिर्फ फोर डॉक्यूमेंट डॉट 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 लास्ट में क्लास नंबर लिख दीजिए, लेकिन फर्स्ट के अंदर ये आपको लिखना ज़रूरी हो सकता है। उसके बाद में इस क्लास इंडेक्स एंट्री टू बनाते हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री टू के अंदर जो हमने चैन प्रोसीजर के अंदर टू लिखा था वो यहाँ पर लिख देना है, यानी फिजिक्स लिखा था टू पे, फिजिक्स आ गया यहाँ पर, और ये भी कैपिटल के अंदर आएगा। चैन प्रोसीजर के अंदर हमने जो बनाया था वही लिखना है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ फुल डिटेल बताता चल रहा हूँ। यहाँ से फोर डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले बताया था वो सेम यहाँ पर लिख देना है। आपको याद नहीं है तो मैंने आपको बताया था फोर डॉक्यूमेंट डैश 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 और डॉट डॉट, यानी डॉट डॉट लगा सकते हो, डैश लगा सकते हो, लास्ट में क्लास नंबर लिख के यहाँ पर कॉल नंबर लिख देना है। कॉल नंबर जो हमने दो नंबर लिखा था उसके सामने जो कॉल नंबर होता है वही लिखना होता है। ठीक है, या आपको पूरा कॉल नंबर यहाँ पर लिखना नहीं होता। ठीक है, ये पेंसिल से आएगा, पहले वाला क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट में बताया था वो भी पेंसिल से आएगा, और ये भी पेंसिल से आएगा। ये फोर डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, फोर डॉक्यूमेंट, सॉरी राइटिंग तो साफ नहीं है, बाकी मैं आगे सुधारने की कोशिश करूँगा। फोर डॉक्यूमेंट लिख करके आपको डैश डैश या डॉट डॉट लगा करके और लास्ट में क्लास नंबर लिख देना है, और जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको ये आता है, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण आप पूरा नहीं लिख पाए। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें जो वैकेंसी निकल दिएगी उसके बारे में भी आपको बताता रहता हूँ और बताता भी रहूँगा। लास्ट में कॉल नंबर पेंसिल से लिखने के बाद में अब हम नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं, नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्लास इंडेक्स एंट्री थर्ड, जो हमने चैन पोजीशन थर्ड नंबर लिखा था वो हमने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये ग्रेवेशन कोमा फिजिक्स आ जाएगा, ये देखिए ये लिख देना है, और उसके आगे हमें ये लिखना होता है। ठीक है, जो नंबर वन टू थ्री का है उसके आगे ये जो मैंने निशान लगाया था ऊपर वाला ये लिखने होते हैं। ठीक है, ग्रेवेशन के आगे हमें सी वन एट लिखना होता है कॉल नंबर के अंदर। ठीक है, ये थर्ड नंबर वाली एंट्री हो गई, यहाँ से लिखना है और कैपिटल के अंदर लिखना है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल से बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा सकता और जाया भी नहीं जा सकता। यहाँ पर कोमा आएगा और फिजिक्स डॉट आएगा और एक कैपिटल के अंदर आएगा। ठीक है, नीचे फिर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, ये सेम लिख देना है। अगर आप इसको दो तीन बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाए, इसमें कोई याद करने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, और सी वन एट लास्ट में लिख देना है, यानी जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले निशान लगा करके वन टू थ्री और ऊपर वाला जो निशान बताया था वो लिख देना है। ये कॉल नंबर है, पेंसिल से आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री बनाएंगे, ये जो हमने क्वेश्चन के अंदर जो ट्रेसिंग करी थी ना सेम उसकी हम इंडेक्स एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ऑथर पूरा लिख देना है, जो ऑथर वहाँ पर लिखा था सेम वही लिख देना, यानी
दो से ज्यादा उत्तर है तो एक उत्तर लिखना है, और सरनेम को फोर नेम लिखना है, फोर नेम को सरनेम, और लास्ट में एंड अदर्स लिख देना, यानी इसके अंदर तीन ऑथर दिए हुए हैं तो एंड अदर्स लिख दिया और लास्ट में डॉट लिख दिया, ठीक है। नीचे हमने टाइटल लिख देना है जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स था, ठीक है। फर्स्ट नेम को सेकंड नंबर पे लिखना और सेकंड वाले नेम को फर्स्ट नंबर पे लिखना और लास्ट में एंड अदर्स लिख देना है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स डॉट ईडी जो टाइटल है, टाइटल के बाद में ईडी यानी एडिशन कौन सा चल रहा है, एडिशन टू है, ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के नीचे एडिशन टू दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख देना है, डॉट ईडी टू लिख दिया, टाइटल डॉट ईडी टू लिख दिया, और उसके बाद में हमें कॉल नंबर पूरा लिखना है यानी बुक नंबर के साथ में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो जाए कुछ। और हम इसकी नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री आती है एडिटर बुक इंडेक्स एंट्री, ठीक है, जो हमने ट्रेसिंग के अंदर बनाया था वो यहाँ पर लिख देना है, ये एडिटर है हमारा एंटल डब्ल्यू ई, यानी सरनेम को फोर नेम लिखा, फोर नेम को सरनेम लिखा, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, यानी फर्स्ट वाले नेम को बाद में लिखना और बाद वाले नेम को पहले लिखना, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है उसको ब्रैकेट के अंदर आएगा और कॉमा ए डी डॉट आ जाएगा, और उसके बाद में ऑडिशन एंड अदर, ये राइटर हैं, राइटर आ जाएगा, और एडिशन लिखते हैं तब ऑथर लिखना ज़रूरी हो जाता है, उसके बाद में टाइटल आ जाएगा डॉट ए डी एडिशन डॉट टू, एडिशन टू दिया हुआ है टाइटल के नीचे तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जब भी हम एडिशन लिखते हैं तो ऑथर का वर्णन करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। C1N65 कॉल नंबर हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री वन बनाते हैं, सीरीज की एंट्री बनाते हैं हम, ठीक है। सीरीज क्या है हमारा, सीरीज का टाइटल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये नीचे दिया हुआ है प्योर साइंस सीरीज नंबर 6, प्योर साइंस ये नंबर 1 है और नंबर 2 है साइंस कंसेप्ट सीरीज नंबर 15, ये नंबर 2 है, ठीक है। अब मैं आपको ये नंबर 1-2 लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए 1-2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी अब चलते हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है। ये एडिशन 6 है प्योर साइंस सीरीज, सीरीज ये कैपिटल में आएगा, जो नंबर 1 लिखा था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, सीरीज के अंदर जो दिया हुआ है, और ये एडिशन 6 जो दिया हुआ है हमें सीरीज के अंदर ही प्योर साइंस सीरीज 6, वो 6 यहाँ पर लिख देना और इसका राइटर लिख देना, राइटर सर ये, फिर टाइटल आ जाएगा यानी डब्लू अनुपात टी आ जाएगा, ये कॉल नंबर आ जाएगा, पेंसिल से लिखना है ऑथर अनुपात टाइटल, टाइटल वो लिखना है जो हमने मेन टाइटल है हमारा वो नीचे, और ऊपर सीरीज के अंदर जो दिया है वो लिखना है। सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री 2 जो नंबर 2 पे लिखा था वो हमें यहाँ पर लिख देना है सीरीज के अंदर, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, और जो सीरीज के अंदर लिखा था टाइटल वो हमें यहाँ से लिख देना है और कैपिटल में लिखना है, साइंस कंसेप्ट सीरीज 15 था ना, वो 15 यहाँ पर आ जाएगा, और ऑडिशन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नहीं समझे होंगे तो ये देखिए 15 ये दिया कंसेप्ट सीरीज नंबर 15, ठीक, वो हमें वहाँ पर लिख देना है। ये वीडियो कुछ लंबी हो रही है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, और समझाना भी आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर समझ में नहीं आए तो कोई तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर वीडियो लंबी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वहाँ पर कॉल नंबर लिख देना, और अब हम इसकी नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं, एडिटर ऑफ सीरीज क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री बनाएंगे, जो एडिटर दिया हुआ ना उसकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाएंगे, यानी एडिटर से भी यूज़र इन्फॉर्मेशन मांग सकता है तो उसकी एंट्री बनानी ज़रूरी हो जाती है, यानी यहाँ पर एडिटर लिखना में सरनेम को फोर नेम, फोर नेम को सरनेम, यहाँ पर कैर ब्रैकेट चार्लेज लिखा और कोमा ए डी डॉट लिखा, और यहाँ पर सी आल्फो आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, सही कर लीजिए, और यहाँ पर नीचे प्योर साइंस सीरीज जो सीरीज के अंदर टाइटल दिया है वो आ जाएगा, और ये
जो भी मैं आपको बता दूं, सरनेम फोरनेम कहाँ पर लिखना होता है, जो भी हम ऊपर कैपिटल के अंदर में बताया था लिखना होता है, वो यानी फर्स्ट लाइन के अंदर जो भी लिखना होता है वो हमें सरनेम को फोरनेम, फोरनेम को सरनेम लिखना ही होता है, ठीक है। प्योर साइंस सीरीज नंबर 6, ये देखिए ये टाइटल लिखना होता है, सीरीज़ का टाइटल होता है ये सीरीज़ का टाइटल 2 है, इसका एडिटर 2 दिया हुआ है एवीएस एंजल। इससे डिटेल में मैं नहीं जा सकता, आपको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बताने की, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि मैंने मेहनत की आपकी आपको समझाने के लिए, तो आपको फ़र्ज बनता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्रॉस रेफरेंस एंट्री 2 बनाते हैं हम, इसकी जो 2 बनाएंगे वो C18 ये कॉलम नंबर लिखना है ऊपर, यहाँ पर सी आल्सो यानी क्रॉस रेफरेंस एंट्री है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ C18 कहाँ से लिया है हमने। C18 ये देखो ये नीचे दिया हुआ है, इसके अंदर ये पार्ट 4 की सीरीज के अंदर ये एक्स्ट्रा आ जाता है, क्लास नंबर C18 दिया हुआ है। C1 की तो हमने बना ली एंट्री, अब C18 की भी बनानी ज़रूरी होती है ना, ग्रेवेशन जो C18 हमने लिखा था ना उसकी एंट्री बनानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, यूज़र इन्फॉर्मेशन मांग सकता है इससे। C18 लिखा, सी आल्सो यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर कॉल नंबर आएगा, ये कॉल नंबर ये मैं माफ़ी चाहता हूँ ये यहाँ पर लिख दिया, और लेकिन ये राइट साइड में आएगा कॉल नंबर, ठीक है। N65 है कॉल नंबर, ये साइड में आएगा, ठीक है। क्लास नंबर मैंने गलत लिख दिया, कॉल नंबर है, ठीक है। ओल्सन एंड अदर्स ये राइटर आ गए, और नीचे टाइटल आ गया, और एडिशन कौन सा है वो आ जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स अब मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा समय लग रहा है। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स ये 2 एडिशन दिया हुआ है, ठीक है। और पार्ट 4 ये देखिए नीचे पार्ट 4 दिया हुआ, बिल्कुल नीचे वो हमने यहाँ पर PT.4. लिख दिया, ठीक है। जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया उन्होंने सबकी एंट्री बनी, सबकी यानी जिस यूजर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एडिटर ऑफ सीरीज एंड क्रॉस रेफरेंस एंट्री यानी जो हमने थर्ड वाला एडिटर बताया था उसकी भी एंट्री बनाई, इंडेक्स एंट्री, तो उसका उसकी बना लेते हैं NL:BRACT1 और :ED. ये आ जाएगा, यानी सरनेम को फोरनेम, फोरनेम को सरनेम। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पर है, ये नीचे से थर्ड लाइन में यानी लास्ट 2 थर्ड के अंदर लाइन के अंदर दिया हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा सिस्टम स्लो होने के कारण मैं आपको पूर्ण तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये आवास एंजल दिया हुआ ना, ये हमें वहाँ पर लिखना होता है चार्लेज कैर, ये एडिटर दिए दोनों, नीचे वाला एडिटर थर्ड दिया हुआ है, और ये अब हम नाउ कर रहे हैं, थोड़ा सिस्टम स्लो है माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। अब हम इसकी यहाँ पर सी आल्सो है, माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती है, और यहाँ पर सीरीज कंसेप्ट सीरीज जो टाइटल दिया हुआ सीरीज के अंदर वो लिखना होता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कौन सा कैसे लिखना है, ठीक है। ये नंबर फर्स्ट पेज लिखा था हमने कैर चार्लेज, ये फर्स्ट एडिटर की एंट्री थी सीरीज के अंदर जो एडिटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी सेकेंड एडिटर की जानकारी कर लेते हैं जो सीरीज के अंदर दिया हुआ है, वैसे थर्ड नंबर पे है ये लेकिन सीरीज के अंदर नंबर 2 पे ही है, नंबर 2 पे जो सीरीज के अंदर लिखा था वो यहाँ पर लिख देना है एडिटर, ठीक है। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट है तो